लखीमपुर खीरी में शुक्रवार को डाइट ट्रेनिंग सेंटर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। चुनाव में लोगों को मतदान की तारीख और दिन भी बताया गया, जिसके अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह सहित मुंबई से आए टीवी और फिल्म अभिनेत्री पारुल चौहान और टीवी और फिल्म अभिनेत्री चिराग ठक्कर और पुलिस कप्तान पूनम, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला अधिकारी सहित जिले के आला अधिकारियों ने आम जनमानस को अधिकतम मतदान करने हेतु प्रोत्साहित और प्रेरित किया। समझाया सबको कि किस तरीके से वोट्स आपके लिए क्यों जरूरी होते हैं। जैसे उन्होंने ये भी बताया कि आपको जो प्रत्याशी अच्छे लगते हैं, जो नहीं अच्छे लगते हैं, आपको किसी को वोट नहीं देना है, उसके भी ऑप्शन है, ताकि उस जो अगर आपको कोई प्रत्याशी नहीं अच्छा लग रहा उसके लिए आपको वोट नहीं देने हैं, तो उसका ऑप्शन है वो इसलिए है ताकि उसकी जगह पर कौन सा प्रत्याशी खड़ा किया जाए जो पब्लिक को पसंद आए। ये हम इसलिए करते हैं पब्लिक की भलाई के लिए, हमारे समाज की भलाई के लिए, हमारे शहर की भलाई के लिए, हमारे देश की भलाई के लिए। अगर आप वोट्स नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं एक वोट इतना ज़रूरी होता है कि वो आपको जिता भी सकता है और आपको हरा भी सकता है। तो सिर्फ मैंने जितने यहाँ पे लोग आए थे, जितने लोग हैं यहाँ के, मेरे ख्याल से जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हम जितने भी आप देखेंगे जितना भी यंग क्राउड है, अगर आप उसको कुछ मैसेज पास ऑन करते हैं, तो मोस्टली ये देखा गया है कि यहाँ पे अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे जाके वो अपने आसपास वाले लोगों से बताएंगे, अरे यार हम उनसे मिले तो उन्होंने ऐसा कहा कि वोट देना किस लिए ज़रूरी होता है। तो ये बातें धीरे धीरे करके जब बच्चों से फैलती है तो बड़ों को भी शायद कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि जब बच्चे हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें वोट देने चाहिए, तो कहीं ना कहीं जब बड़ों को भी एहसास होगा तो एक एक वोट कितना वैल्यू रखता है, उसे कौन जीत सकता है, वो आपको हरा सकता है। तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जो आपका अधिकार है उसके लिए हर कोई लड़ने के लिए तैयार रहता है, तो वोट की बात जी। आपका भी एक वोट यहाँ लखीमपुर जिले में है, आप बॉम्बे में रहते हैं? जी हाँ, और बिल्कुल अभी जैसे मैं आई हुई हूँ, मेरा जितना रहता है कि अगर आप लोग समझ सकते होंगे मैं जिस फील्ड से, वहाँ पे एक दिन की भी छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी एक होता है कि आपका एक दौर होता है, आप धीरे धीरे करके नाम बनाते हो, हर चीज़ बनाते हो, फेमस होते हो, फिर धीरे धीरे करके उस दिन के लिए आप छुट्टी अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो अभी अभी का ऐसा कि मैं भी बोलती हूँ कि वोट देना चाहिए, इस बार के जो भी इलेक्शन होंगे मेरे वोट की वोट ज़रूर आऊँगी।